तो तुंगनाथ का दर्शन कर लिया हमने बाहर से ही। अब जा रहे हैं चंद्रशिला के पास। तो यहाँ का रास्ता आप लोग देख सकते हो, यहाँ ऐसा पहाड़ से ओके ऊपर लोग है, वहाँ पे जाना है पूरा घूम के। तो वहाँ जाके दिखाता हूँ मैं आपको। और ये व्यू देखिए यहाँ से, एक नंबर। हाँ वहाँ नीचे से आए हैं, यहाँ से पूरा वहाँ, यहाँ से यहाँ और चंद्रशिला का भी तो आधा रास्ता तय हुआ है, लेकिन थक बहुत चुके हैं हम लोग। ये देखो ये वहाँ ऊपर तक जाना है, अभी बहुत टफ है। ये देखो तो पहुंचते हैं धीरे धीरे करके, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। एंड फाइनली मैंने अपनी लोकेशन और कर ली है। ये देखो चंद्रशिला पे पहुंच चुका हूं मैं। एंड यहाँ से नज़ारे देखो आप लोग। फाइनली हम लोग चंद्रशिला ऊपर आ चुके हैं। तो थक तो बहुत गए थे, लेकिन हमने अचीव कर लिया। और यहाँ का व्यू आप देख सकते हो, ये देखो पूरा व्यू भाई साहब, क्या व्यू है ये, पूरा बर्फ से गिरा हुए पहाड़। और ये जो है, ये लोग इंग्लैंड से आए हैं। तो यहाँ पे मंदिर है माता जी का, वहाँ जाके आया। यहाँ एक छोटा सा मंदिर है, पूरा काफ़ी एक नंबर एक्सपीरियंस है हमारा। तो अब वापस चलते हैं, मिलते हैं बाद में नीचे जाके। पानी की बोतल हम लाए थे एक, वो ख़त्म हो गई। अब प्यास बहुत लगी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जुगाड़ हो रहा है। अब हम ये ग्लेशियर का, ये देखो पूरा ये ऐसा जुगाड़ कर रहे हैं हम। अच्छा हुआ हम साथ में लेके आए थे सब ये, वरना वाट लग ऐसा करना पड़ता है। लेकिन इसमें ही असली मजा है, लाइफ का न्यू एक्सपीरियंस। चंद्रशिला पे हम ऊपर ये जुगाड़ कर रहे हैं। और ये हमारा स्टॉव, यहाँ से लोग आ रहे हैं। अभी तो बहुत लोग नीचे भी जाना है, ये पूरा घूम के वहाँ रास्ता है वहाँ तक जाना है। लेकिन अभी पानी पी लेते हैं थोड़ा, बाद में निकलते हैं। तो ये देखो यहाँ अपना ये पानी की बोतल ख़त्म हो गई थी, तो ये जुगाड़ कर लिया है हमने बर्फ़ डाल के दबेली में। अच्छा हुआ ये स्टॉव लेके आए थे। लेकिन
बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं लाइफ। देखो पहाड़ों में व्यू व्यू के व्यू साथ के साथ ये ये जुगाड़ बर्फीली अपना। वादियाँ। अभी जल्दी से पानी बन जाएगा तब पियेंगे, और ये एक बिस्किट बची है मोने को, वो खाएंगे साथ सिर्फ में। यही बची है। नीचे तक जाना है अभी तो दिखाता हूँ मैं आपको, पानी बन जाता है ये बर्फ तो, ये देखो। चलो तो तुंगनाथ महादेव को बाय बाय करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। यहाँ पे है मंदिर, बहुत सारे लोग आए हैं और हम वहाँ ऊपर थे, वहाँ से मैं यहाँ नीचे आ गया हूँ अकेला। तो यहाँ से सीधा निकलूँगा मैं, वहाँ से घूम के नहीं आ रहा। तो ये देखो ये व्यू यहाँ का, ये देखो नीचे पूरी खाई है काफ़ी, और काफ़ी सारे यहाँ पे वो वल्चर्स है, मतलब कि गिद्ध है यहाँ पे। यहाँ से सीधा मैं नीचे उतर जाऊँगा, अभी उस पहाड़ पे जाना है। तो निकलता हूँ धीरे धीरे, और भाई साहब ये व्यू देखो पूरा, कितना बढ़िया व्यू है यहाँ का। एक बार तो लाइफ में सबको आना ही चाहिए यहाँ पे। ये जो है चोपटा, वो केदारनाथ से सिर्फ 60 या 65 किलोमीटर के पास ही है। सो अगर आप लोग केदारनाथ आते हो तो यहाँ ज़रूर आना, और चंद्रशिला का भी करके जाना, तो अच्छा व्यू है वहाँ का, तो आपका एडवेंचर बना रहेगा यहाँ का। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। हेलो हेलो हेलो, तो आप लोग अगर विंटर में आते हो यहाँ पे तो भाई साहब पूरा प्लानिंग करके आना, क्योंकि यहाँ सब शॉप बंद हो चुकी है। केदारनाथ मंदिर जब बंद होता है तो यहाँ पे सब कुछ बंद हो जाता है, तो पानी नाश्ता वगैरह सब नीचे से लेके आना होगा आपको, क्योंकि ऊपर कुछ नहीं है। आपको दिखाया मैंने कि हमने बर्फ़ को गर्म किया, बाद में पानी पिया है। तो अगर आप लोग आते हैं तो पूरी तैयारी के साथ आना, अगर कैंपिंग वगैरह करते हो तो वो भी पूरी तैयारी करके आना, क्योंकि बहुत ठंड है यहाँ पे। तो ऊपर प्लान हो अगर आपका कैंपिंग करने का तो पूरी तैयारी हो तो अभी आना, ऐसे ही आ जाओगे तो बहुत हैरान होगे आप लोग। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी विंटर के लिए। तो मिलते हैं नीचे जाके, अभी तो आधा बाकी है, कुछ लोग आ रहे हैं, अभी तो नीचे जाना है, हाफ रिकवर करना बाकी है।